my YouTube channel. My name is Rahul. You're watching the Exploring Wings. तो यार आज जैसे कि as per your request मैं TVS Raider का फिर से ऑनरशिप रिव्यू लेने आया हूँ, जैसे आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह करे थे। देन मिलवाते हैं गोलू भाई से। तो ये रहे गोलू भाई, हाय कर दो गोलू भाई। तो कैसे हो आप? बढ़िया भाई। तो चलो यार एक मिनट भाई से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट उनका एक रिव्यू शूट करते हैं, ठीक है। शूट करने के बाद आपको दिखाते हैं क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट। तो ओवरऑल भाई ने जो बाइक चला ली है तकरीबन 413 किलोमीटर समथिंग बाइक चला ली है। तो रन डाउन हो चुका है, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। देन उससे पूछते हैं क्या खर्चा पड़ा क्या नहीं, और जो भी आप लोगों के डाउट्स थे वो भी इस वीडियो में पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो ऑल राइट, गोलू भाई के साथ आ चुके हैं। गोलू भाई कैसे हो अभी आप, ये बताओ? बढ़िया हो, ठीक है। तो और बताओ बाइक के साथ अभी एक्सपीरियंस कैसा है? तो यार काफ़ी सारे जो मतलब पुरानी वीडियोस के अकॉर्डिंग जो कमेंट्स वगैरह आए थे, तो काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि अभी आपने फर्स्ट सर्विस करा चुके हो तो, और अभी क्या कहते हैं बाकी सारी चीज़ों पे अभी बात करते हैं। पहले बाइक के ना कुछ मेजर पॉइंट्स से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। पहले एक बार बाइक की कंडीशन दिखा देते हैं गोलू भाई। तो पहले ये देखो बाइक है और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये दोस्तों बाइक देख लो यार, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी यार वो आई बटन में क्लिक करके देख सकता है। ये हमारी राइडर बाइक जिसके ऑनर हैं गोलू भाई। तो गोलू भाई चलो यार हम ना अब कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। पहली चीज़ यार मुझे ये बताओ अभी आपको ये बाइक माइलेज कितना देती है? मुझे 60 या 55 के बीच में आपको ये माइलेज देती है 1 लीटर में, राइट। अभी आपने जो बाइक ड्रिवन कर ली है वो कर ली है 413 किलोमीटर। ओके, ये बताओ सर्विस में मतलब आपको कितना पैसा देना पड़ा और ओवरऑल फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर फर्स्ट सर्विस तो फ्री है अपनी, जो ऑयल के पैसे 600 से 800 के बीच में दिए, उसमें मैकेनिक सर्विस इंक्लूडेड है। ओके ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि उसके अंदर आपके सिर्फ ऑयल के पैसे आपके लगे और लेबर चार्जेस वो आपके फ्री होते हैं, और देन आफ्टर दैट जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको फिल्टर के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक है मतलब ओवरऑल। तो यार मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स थे यार, इसका टैंक यार फाइबर है या मेटल है वो बताओ ज़रा। ये फाइबर है, ये पूरा अच्छा ये फाइबर है और ये सॉफ्ट प्लास्टिक है। लो आवाज़ देख लो यार, आवाज़। और ये देखो, तो ये है ओवरऑल। जो कुछ लोग पूछ रहे थे होपफुली हो सकता है उनके डाउट्स क्लियर हो गए हों। ये सॉफ्ट प्लास्टिक में आता है, ये हार्ड प्लास्टिक में है, और मडगार्ड भी हमारा आई गेस प्लास्टिक में ही है। हाँ मडगार्ड भी हमारा प्लास्टिक में ही है। तो गोलू भाई मतलब अभी आपको कैसा लग रहा है यार, मतलब ओवरऑल आपने 400 किलोमीटर के समथिंग आपने बाइक चला ली है तो आपको कैसा फील हो रहा है? अभी तो गाड़ी सही चल रही है तो। अच्छा बिल्कुल, अभी तो पूरी नई है यार। अभी तो एवरेज अच्छा दे रही है, 15 के बीच में दे रही है एवरेज। ओके ओके, तो चलो यार एक बार हम भी लोगों के साथ आपका ये बाइकिंग का राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो यार एक बार इसका एक टेस्ट राइड लेते हैं और अपनी जनता को दिखाते हैं, ठीक है। तो लो जी यार हम आ चुके हैं बाइक पे, और बाइक भी स्टार्ट करिए, बहुत ही हल्के से सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। साउंड सुन लो यार पहले तो बाइक की। तो यार एक चीज़ का मुझे इसमें सही प्लस पॉइंट लगता है, ये क्या है पावर मोड। और अच्छा इसमें ये देखो यार, ये शायद हम लोगों ने मिस कर दिया था, ये वाला इको मोड आ जाता है और इसको हम दबाते हैं तो पावर मोड आ जाता है। अभी बाइक इको मोड पे आ गई है, अभी बाइक पावर मोड पे आ गई है। अब हो सकता है शायद ज़्यादा पावर आ गया है। तो चलो यार इसको चलाते हैं। अभी पावर मोड पे है तो काफ़ी अच्छे से मतलब पावर डिलीवरी आ रही है बाइक में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दे रही है यार। मतलब लग ही नहीं रहा कि यार मैं ये कोई 125 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। मतलब जो पावर और पंच इसमें फील हो रहा है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और ये देखो वाह 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 वाह। अभी हालांकि स्लो ही चला रहे हैं क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो बस एक छोटा सा ट्रायल था जिसमें यार बाइक की पावर पंच पता चल जाता है। फिर से इसको इको मोड पे स्विच कर दिया है, और ये अच्छा इसमें ये भी बताता है कि कब आपको गियर चेंज करना है। ये भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके, सही है। तो ओवरऑल यार बाइक चलाने में तो बहुत ही अच्छी है, मतलब मज़ा ही आ जाता है इसमें यार। चलो एक बार इसको खड़ा करते हैं, और ये फिर से न्यूट्रल आ गई। तो साउंड सुन लो यार एक बार इसकी, हल्के वाइब्रेशंस फील होते हैं 7,000 आरपीएम पे हल्के से वाइब्रेशंस फील होते हैं। हाँ तो गोलू भाई यार मेरे को एक बात बताओ यार, जैसे ऑलमोस्ट लगता है हम काफ़ी सारी बातों पे बात कर चुके हैं, तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ यार, इसकी चेन में ऑयल डलता है कि ल्यूब होती है? अच्छा, चेन इसकी ल्यूबेबल है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ मुझे एक और चीज़ जाननी थी यार इसके बारे में, जैसे मेरे से ना एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि हम इसकी सीट की ये रेल्स हटा सकते हैं क्या? नहीं, ये ऑलरेडी सॉलिड है, कंपनी तरफ से आई है। अच्छा, ये इसी के साथ फिट है, तो इसको नहीं हटा सकते हम, ये कह रहे हो आप? ठीक है गोलू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो यार वंस अगेन। तो मिलते हैं यार जल्दी से फिर से किसी और नए वीडियो में। और तो पहले तो यार जिसने यार गोलू भाई को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा ना, पहले तो यार गोलू भाई को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। तब गोलू भाई अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो एक बार। मैं इंस्टाग्राम योगेश बातम। ओके, बस यही है। तो कोई नहीं, गोलू भाई मुझे लिख के भेज देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ यार। गोलू भाई को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मुझे भी फॉलो कर लो। तुम लोग वैसे बड़े अच्छे लोग हो, वीडियो आते हो, देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। और फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे मुझे भी, गोलू भाई को भी। तो ठीक है यार, मिलते हैं फिर से नए किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, समाप्त।